नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। अब खबरें अन्य राज्यों से। अलीराजपुर जिले के सभी अतिथि शिक्षक एक दिवसीय हड़ताल पर उतर आए हैं। मानदेय नहीं मिलने से नाराज शिक्षकों ने कलेक्टर कार्यालय के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों का आरोप है कि पास के अन्य जिलों के अतिथि शिक्षकों को मानदेय मिल चुका है, लेकिन अलीराजपुर के शिक्षकों को अभी तक नहीं मिला है। अतिथि शिक्षकों ने कहा कि दिवाली जैसे बड़े त्यौहार का समय नज़दीक है और ऐसे में उनके लिए त्यौहार मनाना कठिन हो रहा है। उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन भी जनसुनवाई में सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी समस्या को स्पष्ट किया। शिक्षकों ने बताया कि उन्होंने कई बार बीओ और जिले के सहायक आयुक्त को इस मामले से अवगत करवाया है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दिवाली से पहले उनका मानदेय नहीं दिया गया तो वो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करेंगे। अलीराजपुर से मनीष अरोड़ा की रिपोर्ट। धरने बैठो, आज हम अतिथि शिक्षक अलीराजपुर समस्त के यहाँ पर इकट्ठे होने का कारण ये है कि हमें अप्रैल माह 2023-24 का मानदेय हमें प्राप्त नहीं हुआ है और इस मांग को लेकर हम खंड शिक्षा अधिकारी बीओ और हमारे ज़िले के जो एससी है उनसे हम कितनी बार गए पर हमको एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमको बजट के कारण हमको मानदेय हमारा नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ हमें एक बात के पीछे दूसरी बात के पीछे एक के बाद एक हमें दौड़ाते रहते हैं और हमको गुमराह करके हमें वापस घर पहुंचा देते हैं। अभी आप किससे मिलो यहाँ पे? अभी हम जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं और जिला कलेक्टर महोदय से जब हम मिले हैं तो हमको ये पूछा है कि आप क्यों आए, तो हमने बोला है कि अप्रैल माह 2023 का हमें मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। अभी क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब? उन्होंने आश्वासन दिया है, एसी साहब को बुलाया और बुला के पूछा कि इन्हें क्यों नहीं दिया गया है मानदेय, तो एसी साहब बोले कि इनका बजट अभी नहीं आया है अप्रैल 2023-24 का। अगर आपको मानदेय नहीं मिलता तो आगे आप क्या करोगे? मानदेय हमें यदि प्राप्त नहीं होता, 23-24 का मानदेय नहीं प्राप्त होता है तो हम अगला धरना और देंगे और अनिश्चितकालीन तक हम यहाँ पर बोले क्या हड़ताल पर बैठो। आज हम समस्त जिले के अतिथि शिक्षक पिछला वेतन 2023-24 का मार्च अप्रैल का वर्ग 1, 2 और 3 का नहीं मिला है, उस संबंध में आज पूरे जिले के समस्त अतिथि शिक्षक हम कलेक्टर कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं और अपनी वेतन की मांगों को लेकर कलेक्टर महोदय से मिले और कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया कि बजट अभी नहीं है। तुरंत एसी महोदय जी को बुलवाया और बुलाने के बाद पूछा गया तो एसी साहब ने बोला कि जैसे ही बजट उपलब्ध हो जाएगा हम इनका वेतन का भुगतान करेंगे। इस प्रकार का आश्वासन हमें